घरेलू मुर्गी पालन के बारे में किसानों को, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको 3 से 4 दिनों की ट्रेनिंग भी देते हैं कैसे मुर्गी पालन करें, उनका पालन पोषण कैसे करना चाहिए। हम उन्हें बताते हैं कि दिन भर इन्हें चराई पर रखा जा सकता है और इन चराई के अलावा इन्हें थोड़ा बहुत बस संतुलित आहार देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा रात्रि के समय में रात्रि विश्राम गृह बहुत ही सस्ते दर पे लकड़ी से और लोहे की जाली को मिलाकर बनाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस तरह से बहुत ही कम लागत में घरेलू मुर्गी पालन के आवास की व्यवस्था की जा सकती है। जो रात्रि विश्राम गृह हैं उनका नियमित स्तर पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। जो बर्तन हैं उन्हें धुलने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट से खंगाल लेना चाहिए, जिससे कि जीवाणु नष्ट हो जाए और बीमारियों से बचाया जा सके। चूजा हमें एक विश्वसनीय हैचरी से प्राप्त करना चाहिए और चूजा खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि चूजों में 1 दिन का टीका या मैरेक्स डिजीज का टीका लगा हुआ हो। जब किसान भाई चूजों को अपने बाड़े में लेके आते हैं, उनकी ब्रूडिंग कराते हैं, उनकी रख रखाव करते हैं, तो 6 से 7 दिनों के आसपास उनका हम रानीखेत डिजीज का पहला टीका देते हैं। 12वें दिन किसान भाई गंबोरो डिज की पहली खुराक दे सकते हैं चूजों को। 3रे हफ्ते के आसपास किसान भाई गंबोरो का बूस्टर डोज लगवाते हैं और 28वें दिन या कह सकते हैं कि 4थे सप्ताह के अंत में हम रानीखेत डिज का बूस्टर डोज लगाते हैं। उनका नियमित तौर पर कृमिनाशक दवाएं देते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो उनके आँत में या उनके पेट में जो भी कृमि या वर्म पड़ चुके हैं, जो कि उनका आहार चूस ले रहे हैं, तो उनको नष्ट किया जा सकता है और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। इन पक्षियों को तेज हवाओं जैसे कि तूफान या आंधी या लू से सीधे संपर्क में आने से बचाना चाहिए। इसके अलावा इन्हें ऐसे पशुओं से बचाना चाहिए जो इन्हें खा सकते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, इसके अलावा चील जो छोटे चूजों को खा सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं, उनसे इनको बचाना चाहिए। बर्ड फ्लू जैसी भयानक बीमारियों से बचाने के लिए इन पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से रोकना चाहिए। इस तरह से इन प्रमुख बातों का ध्यान रख करके ऐसे कई किसान भाई हैं जो बड़े स्तर पर इन घरेलू मुर्गी पालन करते हुए अच्छा लाभ और आय कमा रहे हैं। जो यहाँ पर गरीब तबका है, किसान है, उन्हें हम चूजों का वितरण करते हैं जिन्हें घरेलू स्तर पर पाले हुए मुर्गियों के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।